ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा मसूद है। आई एम अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फारूक हॉस्पिटल DHA ब्रांच एंड ऑल्सो एट सार्स क्लिनिक इन के ब्लॉक मार्केट DHA फेज 1। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक और इसके बेनिफिट्स फॉर द मदर एंड द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। बेबीज़ में अगर देखा जाए तो चूँकि मदर अपनी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बच्चे को ट्रांसमिट करती है, तो ऐसे बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जीज़ और डायरिया की शिकायत कम होती है। इन बच्चों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनका IQ लेवल बॉटल फेड बेबीज से ज़्यादा होता है और इन बच्चों की मदर के साथ बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जब बच्चा मदर को लैच करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि लव हार्मोन कहलाता है, इसकी प्रोडक्शन होती है, जिस वजह से मदर और बेबी की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आइडियली मदर को विद इन 30 मिनट्स ऑफ बर्थ ऑफ द बेबी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ये दोनों जो नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं और सी सेक्शन, इन दोनों को चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा दें। इसके अलावा अगर मदर के लिए बेनिफिट्स देखे जाएं तो यूट्रस का साइज़, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि लव हार्मोन है, इसके अलावा ये यूट्रस के ऊपर एक्ट करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और उसको वापस अपने साइज़ पर लेके आता है। लिहाजा ये मदर्स जो हैं, चूँकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कैलोरी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो ये अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर भी नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं बाकी जो फीड नहीं कराती उनसे पहले आ जाती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, ये फीमेल को ओवेरियन कैंसर से बचाता है, और इसके अलावा पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि मदर्स को अक्सर डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उससे भी महफूज रखता है। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स होती हैं उनके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर का इंसिडेंस भी कम होता है। लिहाजा मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराएं, और ये देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं उनके माइलस्टोन्स जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे अचीव किए जाते हैं, और बॉटल फेड बेबीज़ के अंदर यूजुअली उनके माइलस्टोन्स अक्सर डिलेड हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो कि मदर्स को चाहिए कि अपने बच्चों को इससे महरूम ना करें। अगर मज़ीद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं फारूक हॉस्पिटल DHA में या एट सारस क्लिनिक, तो आप ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और अगर वीडियो कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वो भी ईजिली ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से बुक कराई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच।